यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजे के समय बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। और ऐसा बताया जाता है कि इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब रंजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पाए हैं। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रंजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास रहता हूँ। रंजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर रंजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कहीं लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्प रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का सभी पता लगाऊंगा। इतना कहकर रंजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके रंजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा, सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम के आगे सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारों के 2-4 पैक भी लगाए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन रंजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारे लाइट भी चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर रंजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रंजीत की ओर तेजी से आने लगा। रंजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया, और वो टेबल वही जाके गिरा जहाँ रंजीत खड़ा था। रंजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और रंजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रंजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई सामने आई। रंजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। रंजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछे ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रंजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगाया, बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा था और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रंजीत ने चैन से सांस ली और वह वहाँ पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब रंजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी हमारी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।